कालपुर नाम के गांव में राजाराम नाम का एक चोर रहता था। राजाराम की चोरियों की वजह से सारा कालपुर परेशान था। राजाराम का ना कोई घर था और ना ही कोई परिवार था। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, वो लोगों के घर से वो सामान चुराकर या पैसे चुराकर उस सामान को हासिल करता था। जब वो इस सब से थक जाता था, तब अपने आप पुलिस वालों के हाथ लग जाता था। इसलिए जेल ही उसका घर था। दो दिन में मेरा जन्मदिन है। घर से बाहर निकलने का समय आ गया है। ये कहते हुए राजाराम जेल से भागने की एक और योजना बना रहा था। इसलिए वो हमेशा की तरह दीवार खोदकर भागने के लिए जाता है। लेकिन पुलिस वालों ने इस बार दीवार को इतना ऊंचा कर दिया था कि कोई बंदर भी उससे पार नहीं कर सकता है। लगता है ये पुलिस वाले दीवारों को कॉम्प्लेन पिला रहे हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। लगता है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो राजाराम। कोशिश कर रहा हूँ? मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ दोस्त। ये कहते हुए राजाराम बड़ा शरीफ बनते हुए वहाँ से चला जाता है और एक नई योजना पर काम कर रहा है। इसी तरह से वो बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन होशियार पुलिस वालों ने उसमें भी अब लोहे की सलाखें लगा दी थी। ये लोग काफी होशियारी हो गए हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे एक सुरंग बनाकर भागना होगा। उससे भी पहले मुझे सुरंग खोदने के लिए औजार चाहिए होंगे। ये कहते हुए राजाराम सुरंग खोदने के सामान के लिए मुश्किलों का सामना करता है। आखिरकार मुझे ये औजार मिल ही गया है। अब बिना देर किए यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए राजाराम खुदाई का सामान लेकर झट से अपने सेल में चला जाता है। अपने सेल में जाने के बाद उसे ये बात पता चलता है कि उसके सेल की फर्श तो सीमेंट से बनी है, वो भी मजबूत सीमेंट से। हर उम्मीद से हारा हुआ राजाराम अपने सेल के एक कोने में बैठ जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा एक और कैदी राजाराम से ये कहते हुए गुजरता है। कभी छत से चिपके हुए पाइप का इस्तेमाल करके देखो। शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए राजाराम उन पाइप्स की मदद से जेल से बचकर भाग जाता है, इस उम्मीद में कि जेल के बाहर उसके दोस्त उसके जन्मदिन के लिए देर सारी तैयारियां करके बैठे हैं। तो कैसे चल रही है सारी सेलिब्रेशंस मेरे दोस्तों? कैसी सेलिब्रेशंस? किसी के पास एक भी फूटी कौदी भी नहीं है तुम्हारे जन्मदिन के लिए। सच कहूँ तो हमें तुम्हारा जन्मदिन भी याद नहीं था, लेकिन उस कमबख्त फेसबुक वाले ने नोटिफिकेशंस भेज दिया। ये बात सुनने के बाद राजाराम सच में काफी दुखी हो जाता है और चुपचाप अपने आप जेल लौटकर चला जाता है। पुलिस वाले भी उसके भागने पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो पहले से ही परेशान चेहरा लेकर आया था। जैसे तुम वैसे तुम्हारे दोस्त अपने जन्मदिन मनाने के लिए बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे ना, अब आ गया मजा। राजाराम चुपचाप अपने जेल में जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे ही एक गांव वाला भी ये कंप्लेंट लेकर आया था। एक चोर मेरा सब्जियों का बैग लेकर इस पुलिस स्टेशन के ओर भाग कर आया है। ये नहीं सुधरेगा, इस बात इसने साबित कर दिया। शायद ये बैग आपके ही होगा, इसे ले जाइए, हमने चोरों को पकड़ लिया है। ये कहते हुए
पुलिस वाले उस गांव वाले को उसकी सब्जियां का बैग देकर राजा राम के लिए एक केक लेकर कुछ कैदियों के साथ राजा राम के सेल में जाता है। तुम लोग सच में मेरा परिवार हो और सच में ये मेरा घर ही है। ऐसे आखिरकार राजा राम का जन्मदिन पुलिस स्टेशन में अच्छे से सेलिब्रेट होता है। खटिनपुर नाम के गांव में रतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रतन एक बड़ी सी दुकान से ढेर सारे चिप्स खरीदकर उन्हें एक रेडी पर रखकर स्कूल्स और बस स्टॉप्स में बेचता था। चिप्स ले लो, पोटैटो चिप्स, एकदम बढ़िया वाला पोटैटो चिप्स ले लो। ऐसे रतन अपने पोटैटो चिप्स बेचता था, लेकिन वो दुकान से खरीदे हुए 2-3 दिन पुराने चिप्स होने से रतन को जानने वाला कोई भी नहीं खरीदता था। जो नए लोग खरीदता है, अगर वहीं खड़े रहकर चिप्स खाने लगा तो वो लोग रतन को ऐसे ताने मारते हैं। गरीब आदमी हो, ईमानदारी से काम करते हो सोचकर चिप्स खरीदा था, लेकिन तुम तो एकदम घटिया आदमी निकले। ऐसे बसी चिप्स बेचते हुए शर्म नहीं आता है तुम्हें? रतन चुपचाप उन लोगों की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। ऐसी थी रतन की दिन। फिर एक दिन रतन को अपने गांव से फोन आता है। वो रतन के मामा थे जो उसकी शादी के लिए चिंतित थे और एक मजबूर और अकेली लड़की से उसकी शादी करवाने की बात कर रहे थे। रतन अपने मामा को उसकी परिस्थिति के बारे में बताता है और शादी करने से इनकार करता है, लेकिन रता के मामा कहते हैं कि उस लड़की की हालत रतन से भी ज्यादा खराब है। रतन अपने मामा की बात को मना नहीं कर पाता, इसलिए बिंदु नाम की लड़की से शादी कर लेता है। तुम्हें मामा जी ने सब बता दिया है ना बिंदु? अगर मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी ना कर पाऊँ तो मुझे माफ कर देना। मामा जी ने मुझे सब कुछ बताया है जी। अब से आपको उस बड़ी सी दुकान से बसी चिप्स खरीद कर बेचने की जरूरत नहीं है। मुझे चिप्स बनाना आता है, मैं आपको ताजी और गरम चिप्स बनाकर दूंगी। आप उन्हें बेचकर 2 पैसे कमा लेना। ऐसे रतन की पत्नी बिंदु रतन की हर काम में मदद करने की कोशिश करती है और उसके लिए गरम चिप्स बनाकर देती है। रतन उस चिप्स को बेचने के लिए तो जाता है, लेकिन कोई भी उससे चिप्स खरीदने के लिए नहीं आता है। ताजे और गरम गरम पोटैटो चिप्स ले लो, स्वादिष्ट पोटैटो चिप्स। तूने अब झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है, कुछ तो शर्म कर ले। सच में ताजे पोटैटो चिप्स है साहब जी, एक बार खाकर तो देखिए। ऐसे कितना कहने पर भी वो आदमी उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। रतन भी उदास होकर घर लौट कर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। सब सुनने के बाद बिंदु अपने पति की मदद करने का एक और उपाय सोचती है। हमारे पास एक छोटी सी रेडी होती तो हम चिप्स को लोगों के सामने ही बनाकर बेच सकते हैं। ऐसे करेंगे तो किसी को चिप्स ताजे हैं या 2 दिन पुराने हैं इस बात का साबुत दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरे एक दोस्त के पास पुरानी रेडी पड़ी हुई है, मैं एक बार उससे रेडी मानकर देखता हूँ। ये कहते हुए रतन अपने दोस्त से बात करके जैसे तैसे करके वो रेडी लेकर आता है। अगले दिन शाम के वक्त रतन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर रेडी पर कुछ आलू, छोटा सा स्टाव और बढ़िया कंपनी वाले तेल को रखकर चल पड़ते हैं। रतन और उसकी पत्नी पहले स्कूल के पास जाकर थोड़ी चिप्स बनाकर बच्चों को बेचते हैं। उसके बाद बस स्टॉप में आकर कुछ देर व्यापार करने के बाद बाजार में एक जगह पर आकर अपनी रेडी लगाकर बैठ जाते हैं। वहाँ से गुजरने वाले सभी लोग गरम गरम पोटैटो चिप्स खरीद कर जा रहे थे।
तभी वो आदमी जो हमेशा रतन को डांटता रहता है वो वहाँ से गुजारते वक्त गरम गरम पोटैटो चिप्स खरीदने के लिए आता है। यहाँ पर भी तुम ही हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? इस बार तुम्हें ऐसे नहीं मानोगे, इस बार तो तुम पुलिस के हवाले करना ही होगा। ये बात सुनकर रतन थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन बिंदु उस आदमी को हिम्मत से जवाब देती है। शौक से बोलिए भाई साहब, पुलिस वालों को मैं भी तो देखती हूँ हमारे चिप्स में किसी बात की कमी रह गई है। बढ़िया आलू और बढ़िया तेल है, और क्या चाहिए? ये बात सुनने के बाद वो आदमी एक बार रतन और बिंदु की रेडी पर एक नजर डालता है और चुपचाप वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। उसके बाद से हर रोज दोनों पति पत्नी साथ मिलकर अच्छे से काम करते हुए और अच्छी खासी कमाई करते हुए अपनी एक छोटी सी पोटैटो चिप्स की दुकान खोल लेते हैं। मैं तो ये सोचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि इस गरीबी की दाल दाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम अंधेरे में रोशनी भर आई हो बिंदु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। जितनी बुरी हालत में आप थे उतनी ही बुरे हालतों में मैं भी थी। अब ये बातें छोड़ो, दुकान पर ध्यान दो। ऐसे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।